All GT. <laughs> क्या बात <laughs> तुम्हें पता है यहां हो क्या रहा है दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग सो वॉट इज फ्लेक्सिंग जनरली फ्लेक्सिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना तुम अपनी रिच एंड वेल्दी लाइफ स्टाइल पर फ्लेक्स कर सकते हो अगर तुम ट्विटर पे वेरीफाइड हो गए एंड अगर इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल गया तो तुम उस पर फ्लेक्स कर सकते हो एंड फाइनली यू कैन फ्लेक्स योर बॉडी मसल्स टू सोशल मीडिया के आने से पहले फ्लेक्सिंग स्टार्ट हुई थी लाइक इन बॉलीवुड रेड कार्पेट्स फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड हिप हॉप रैप म्यूजिक जहाँ पे लग्जीरियस कार्स पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्स किया जाता है एंड अगर यूट्यूबर्स की फ्लेक्सिंग की बात करें तो वी हैव मेनी नेम्स लाइक टेक्निकल गुरू जी वाई पी एम व्लॉग्स बिन्दास काव्या एमओ व्लॉग्स एंड ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो अपनी रिच लाइफ स्टाइल पर फ्लैक्स करते हैं एंड लाइक रिच दिखना उनके ब्रांड का सेंट्रल पार्ट होता है अब तुम इसे क्या बोलोगे यूट्यूब मनी इज काइंड ऑफ अ न्यू मनी नॉट लाइक नाइन टू फाइव जॉब ओल्ड मनी बिकॉज रिच एंड वेल्दी पीपल में फर्क होता है वेल्दी आदमी को अगर तुम देखोगे ही ट्राई टू लुक एवरेज बट रिच पीपल दे try to look rich, not like wealthy people. So most YouTubers क्या experience कर रहे हैं New money, I mean YouTube money is kind of a new money. That's why ये rappers and hip hop artists ज्यादा flex करने की कोशिश करते हैं because these rappers come from rough background and उनकी jewelry and cars उनके success का outward symbol होता है And इस पूरे flex culture में excessiveness भरा हुआ है Because luxury आने के पास तुम्हारे पास एक car नहीं होती तुम्हारे पास पांच car होती है and that is called excessiveness of spending. <laughs> जैसे मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो, तो मुझे पता चला कि फ्लेक्सिंग की शुरुआत काफी पहले से ही हो चुकी है अन इकोनॉमिस्ट इस फ्लेक्सिंग के फिनोमिना को लास्ट हंड्रेड इयर्स से रिसर्च कर रहे हैं बट इस फिनोमिना के लिए वो फ्लेक्सिंग टर्म का यूज नहीं करते जहाँ पे तुम न्यू गुड्स खरीदते हो टू शो दीपल इंस्टेड वो एक टर्म यूज करते हैं that is called conspicuous consumption. Now, इसका मतलब ये होता है जब तुम लोगों को दिखाने के लिए कोई न्यू चीज खरीदते हो स्पेंडिंग करते हो दैट इज कॉल्ड कंसपिकुअस कंजन एंड इस फिन को फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था एटीन नाइनटी नाइन में बिकॉज सेकंड इंडस्ट्रियल रेवलूशन के बाद इकोनोमिस्ट को यह पता चला की एक न्यू क्लास ऑफ रिच पीपल इमर्ज हो रहे हैं जिन्हें कहा गया न्यूली रिच

फॉर एग्जाम्पल जब आदमी एक नेबरहुड या लोकेलिटी में रहता है तो वो खुद को उसी लोकेलिटी से कंपेयर करता है बट जब वो टीवी देखने लगता है तो उसे एक हाइयर लेवल ऑफ वेल्थ दिखाई देता है जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो लग्जीरियस आइटम ज़्यादा लेने लगते हैं बट ये तब तक ठीक था जब तुम एक न्यू कार या फिर न्यू घर लेते हो बट लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल डिज़ाइनर थिंग्स दिखाने लगे फॉर एग्जाम्पल लाइक डिज़ाइनर क्लोथ्स जो तुम हमेशा पहन के घूम सकते हो जिससे तुम ये दिखा सको दैट वी आर सुपर रिच बिग क्रिएटर लाइक टेक्निकल गुरु जी के पास यंग ऑडियंस भी होती है इमेजिन तुम किड्स के सामने देख रहा था टाइटल स्टोर विदर्स इन योर नेम इ के नेम के फर्स्ट लेटर के ऊपर शॉपिंग चल रही है इट्सिंग चैलेंज लेट्स बेसिकली so ये कोई शॉपिंग चैलेंज नहीं है दिस इज शॉपिंग फॉर कॉन्टेंट तो इन वीडियो से तुम्हें क्या नजर आता है अनलिमिटेड स्पेंडिंग एंड एक्सेसिव हॉलिंग एंड रिसर्च करते टाइम मेरे को एक और चैनल दिखा नेम्ड दिखाईन ग्रेस ये लड़की सिर्फ 12 साल की है बट इसकी वीडियोस में यू विल सी हाई अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिंग मे बी उसकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिंग ना हो बट उसकी वीडियोस से फ्लेक्सिंग क्लियरली नजर आता है तुम इस लड़की के मैसिव हॉल्स देखोगे ना यू विल बी शॉप टू सी हर लग्जरी हॉल्स तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि इस लड़की की जो ऑडियंस होगी वो मोस्टली चिल्ड्रन ही होंगे। को करती हैं luxury items, luxury clothing, luxury आजकल के बच्चों को गुच्ची चाहिए आई मीन रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आठ से दस साल के बच्चे गुच्ची हॉल कर रहे थे ऑब्वियसली वो फेक गुची प्रोडक्ट्स थे बट आठ से दस साल के बच्चे को गुची से क्या मतलब रियली डोंट अंडरस्टैंड फेक ड्यूब्स नॉकऑफ्स एंड काउंटरफीट हम ये चीजें बैग्स में देखते हैं बाई भी करते हैं सो so दैट वो एक फेक इमेज दिखा सकें कि हम लग्जरी आइटम्स यूज करते हैं वैसे काफी काउंटरफीट चीजें बिलीवेबल भी होती हैं एंड इन प्रोडक्ट्स को तुम यूज करके अपने इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स भी कर सकते हो विच इज नॉट लेटिट बट काउंटरफीट गुड्स तुम्हें डैमेज भी कर सकते हैं लाइक काउंटर फीट मेकअप आइटम्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये आइडियल नहीं होता कि लोग तुम्हें वैल्यू दे ऑन दी बेसिस ऑफ योर लग्जरी लाइफ स्टाइल एंड मनी आई नो तुम्हें ग्लैमरस लगती है बट मैंने काफी है जिनके पास ह्यूज लग्जरी एंड मनी है बट दे आर स्टिल एम्टी एंड सैड बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे लग्जरी तुम्हें हैपीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकती अभी तक डीप फे पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो और अगर फाइव मिनट से देखनी है, तो राइट वाली क्लिक करो